No. दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि रिज़ोल्वर जो है वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं, जो हमारा स्टेटर है वो यहाँ पे है, और इसकी जो तीन वाइंडिंग है, जैसे कि एक्साइटेशन वाइंडिंग, साइन वाइंडिंग और कोसाइन वाइंडिंग जो है वो यहाँ पे है। रोटर जो है वो अटैच है शाफ्ट के साथ, और इसकी जो वाइंडिंग है उसके जो दो पार्ट्स हैं वो इसके दोनों साइड्स में हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, रोटर वाइंडिंग का जो एक पार्ट है वो अलाइन है एक्साइटेशन वाइंडिंग के साथ, और दूसरा जो पार्ट है रोटर वाइंडिंग का वो अलाइन है साइन और कोसाइन वाइंडिंग के साथ। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही टाइम पे जो रोटर की वाइंडिंग है वो पैरेलल में हो साइन वाइंडिंग के साथ या कोसाइन वाइंडिंग के साथ। एक टाइम पे या तो ये साइन वाइंडिंग के पैरेलल में होगी या फिर ये कोसाइन वाइंडिंग के पैरेलल में होगी। दोस्तों, जब हम रेफरेंस सिग्नल जो है वो एक्साइटेशन वाइंडिंग को देते हैं, जो कि AC 7 volt 10 kHz का, तो जो रोटर की वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और जब हमारे रिजोल्वर की शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है, और रोटर की वाइंडिंग और जो साइन वाइंडिंग है वो आपस में पैरेलल में हो जाती है, और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वोल्टेज जो इंड्यूस होती है वो साइन वाइंडिंग में होती है और हमें आउटपुट साइन सिग्नल मिलता है। जब हमारा रोटर फर्दर रोटेट करता है और कोसाइन वाइंडिंग और रोटर की वाइंडिंग आपस में पैरेलल में आ जाते हैं, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड होती है कोसाइन वाइंडिंग में और हमें आउटपुट कोसाइन सिग्नल मिलता है। जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो 3.5 वोल्ट 10 किलो हर्ट्ज में मिलता है साइन और कोसाइन सिग्नल में। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रोटर को हम किसी भी हार्ड वायर के साथ हम इसको सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कम्यूटेटर और स्लिप रिंग को यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। इससे इसकी जो लाइफ है रिजोल्वर की वो इम्प्रूव होती है और इसमें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, रिजोल्वर की वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल की हेल्प लेंगे। तो 90 डिग्री शाफ्ट एंगल के ऊपर जो रोटर की वाइंडिंग है वो पैरेलल होगी साइन वाइंडिंग के साथ, तो इस कंडीशन में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा साइन सिग्नल, और इस कंडीशन में जो कोसाइन सिग्नल रहेगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगा। अगर हम बात करें 0 डिग्री शाफ्ट एंगल की, तो इस कंडीशन में जो रोटर की वाइंडिंग है वो पैरेलल में रहेगी कोसाइन वाइंडिंग के साथ, तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होगी वो कोसाइन वाइंडिंग में होगी, और जो मैक्सिमम हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा कोसाइन सिग्नल। अगर हम बात करें साइन सिग्नल की, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा 0 डिग्री शाफ्ट एंगल के ऊपर। अगर हम बात करें आउटपुट वेवफॉर्म की, तो दोस्तों वो कुछ इस तरीके की बनेगी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 0 डिग्री के ऊपर जो साइन होता है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे जो साइन सिग्नल है वो ज़ीरो रहेगा, और 0 डिग्री के ऊपर जो कोसाइन सिग्नल है वो मैक्सिमम रहेगा। 90 डिग्री के ऊपर जो साइन सिग्नल है वो मैक्सिमम रहेगा, और 90 डिग्री के ऊपर जो कोसाइन सिग्नल है वो ज़ीरो रहेगा। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें रिजोल्वर के कनेक्शन की PLC के साथ, तो हम रिजोल्वर को सीधा कनेक्ट PLC के साथ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं। कंट्रोलर का बेसिकली काम होता है रिजोल्वर को हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट देना और इससे साइन और कोसाइन सिग्नल जो है वो लेना, ये फर्दर जो है डिकोड करके PLC को देता है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। इसके साथ हमारा जो रिजोल्वर का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिली होगी।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।